तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो में होने वाला है सर्दी से बचने के उपाय, कि हम सर्दी से किस तरीके से बचे। यार मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे। एंड जनवरी का देख लीजिए, जनवरी का महीना है तो ठंड तो होती है भाई। तो इस बारे में मैंने ये ओढ़ लिया, इसको इग्नोर कर देना। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि यार आखिर मैं प्रैक्टिस क्या करूँ। जब भी बिगिनर्स का यार प्रैक्टिस करने बैठते हैं, वही फिर दो चार कोड, दो चार स्ट्रमिंग्स वाला बोर बोर। आखिर हम प्रैक्टिस क्या करें, मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हो। अभी आपने गिटार लिया है, अभी आपने गिटार नहीं लिया है सोच रहे हो, या आपको 6 महीने हो गए गिटार प्ले करते करते, या 1 साल हो गया। आखिर यार हमेशा से माइंड में होता है गिटार में, आखिर यार वो टकरा है, तो आखिर मैं उसमें यार प्रैक्टिस क्या करूँ। ऑफलाइन क्लास में हमेशा से यही कन्फ्यूजन होती है, सॉरी ऑनलाइन क्लास में हमेशा से यही कन्फ्यूजन होती है अगर हम यूट्यूब से सीख रहे होते हैं। यार आखिर प्रैक्टिस करूँ क्या, यार मुझे समझ नहीं आती प्रैक्टिस करूँ क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके बिहाव पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड डेली रूटीन में आप अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो कि हमारी ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। तो बस आज की लेसन में यही सब होने वाला है। अगर आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलती तो आज की वीडियो से मिल जाएगी। तो उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियो वर्जन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स को क्या चाहिए होता है, दो चार स्ट्रमिंग चाहिए होती है, एंड दो चार स्ट्रमिंग पे वो अटक जाते हैं, या दो चार अपने कोड पे अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ पाते। तो हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले हमें करना क्या, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार मैं किस स्टेज पे हूं। अगर आपने, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रमिंग चालू करते हैं, ठीक है, स्ट्रमिंग और अपनी कोड शिफ्टिंग और दो चार कोड। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जो हमारी ऑलवेज चलती है, जो हमारी लॉन्ग टाइम तक चलती है, वो होती है हमारी फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज। मेरा जब मैं स्टार्टिंग से था, जब मुझे सर ने ऑफलाइन क्लास ली थी मैंने, ठीक है ना, अगर आप न्यू व्यूअर हो मेरे तो मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि सर ना फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज कराते हैं, हर कोई यही कराता है, हमारा पहला लेसन ही यही होता है कि हम फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज करें। एंड बिलीव नहीं करोगे आप, सीरियसली बिलीव नहीं करोगे, मैं अब तक फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, अब तक आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। अब आप ये क्या होगा कि सर आप अब गिटार अच्छा बजा लेते हो, सिखा भी लेते हो, तो फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज क्यों करते हो। मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरी स्पीड गेन हो, क्योंकि हमारे जो हम लीडिंग प्ले करते हैं ना, लीड प्ले करते हैं, सारी चीज एक ना एक चीज से जुड़ी हुई है। अब हमारी लीडिंग होती है, हम किसी भी गाने की लीड कर रहे हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब ये मैं टूटा टूटा चला रहा हूँ, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसके जल्दी स्लाइड लूंगा। तो जल्दी स्लाइड लेने का क्या करना, जल्दी स्लाइड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से फिंगर स्टिचिंग करनी, मतलब कि इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो हमारी बढ़ेगी स्पीड फिंगर स्टिचिंग से। मैं इस मारे कहता हूँ कि आपको अगर वे पता चल गया ना, राइट वे, तो आप उसके बिहाव पे अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो। एक बार ये वाली जरूर प्रैक्टिस ऐड कर लेना, अगर आपको कुछ नहीं मिलता प्रैक्टिस करते टाइम कि यार आखिर यार मैं प्रैक्टिस करूँ क्या, तो अपनी फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज कभी भी मत तोड़ना, ठीक है ना, हमेशा प्रैक्टिस करना हमेशा। जैसे कि हमारी हो गई, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इसमें प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में आके मेरा रिप्लाई करना कि आप सर आपकी वजह से मेरी फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज बहुत इजी तरीके से हो रही है। एंड फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज नहीं पता किस तरीके से होती है, ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअली हम फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज कैसे करें। तो अगर आपको नहीं पता कि हम और अपनी प्रैक्टिस में क्या चीज़ ऐड करें, तो ये चीज़ जरूर ऐड करना कि अपने बार कोड पर शिफ्टिंग करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिफ्टिंग करना। अगर आपको नहीं पता कि बार कोड किस तरीके से लगते हैं, ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हो गए, बार कोड पे शिफ्टिंग कैसे करनी है, क्या बजा रहा हूं मुझे खुद नहीं पता, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या चीज है ना कि आपको जो बता दिया जाता है उसी बिहाव पे आप प्रैक्टिस करते हो, ये गलती नहीं करनी। जो हम बता रहे हैं, जो और यूट्यूबर्स बता रहे हैं, जो और चैनल के, मतलब कि जो आप और चैनल देख रहे हो, जो वो बता रहे हैं उस पर भी प्रैक्टिस करो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी प्रैक्टिस करो, एंड अपना माइंड को खुद तेज करने की कोशिश करो कि मैं अपनी तरफ से क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब बारकोड बता देते हैं कि बारकोड इस तरीके से लगता है, यहाँ पे शिफ्टिंग करो, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, ठीक है। कोई ये नहीं बताता कि यार और इसमें वेरिएशन कैसे करें, वेरिएशन मैंने क्या करा,
अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसलिए ले लिया एकदम, मतलब कि उसे उठाया नहीं मैंने, खिसका के टाइट करके एकदम नेक्स्ट कॉर्ड पे शिफ्ट हो गया, एफ से लेके एफ शार्प पे। अब देखिए वॉइस कैसी आ रही है, कुछ भी करो लेकिन करो, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको प्रैक्टिस में ऐड देता हूँ, ठीक है। वो क्या है हमारी, वो है हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न। एक स्ट्रमिंग पैटर्न है, उसे अपने हैंड में बिठा लेना एंड बहुत सारे सॉन्ग प्ले हो जाएंगे इजी तरीके से। कुछ टिप्स दे रहा हूँ एंड अपनी प्रैक्टिस में डेली में ऐड कर लेना। ये हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। ये हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न है। स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे चल रही है, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। स्ट्रमिंग पैटर्न यहाँ पे आपको शो हो गया होगा, चल कैसा रहे, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। जितने भी डाउन आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जितने भी डाउन आएंगे वो आएंगे हमारे बेस स्ट्रिंग पे, दो या तीन स्ट्रिंग पे डाउन लेना, एंड जितने भी हमारे अप आएंगे वो लेना एक से लेकर चार स्ट्रिंग तक, ठीक है। ये अपनी प्रैक्टिस में जरूर ऐड कर लेना, मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस खुद करना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो करके फॉलो कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना एक कि सर मेरी इस तरीके से स्ट्रीमिंग पैटर्न हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रीमिंग पैटर्न ये वाली ऐड कर देना अपनी प्रैक्टिस में। एंड आपको फोर्थ चीज मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है हमारी फिंगर स्टाइल पैटर्न। अगर आपको नहीं पता कि फिंगर स्टाइल पैटर्न एक्चुअली हमारी किस तरीके से होती है, ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं एक्चुअली हम फिंगर स्टाइल पैटर्न किस तरीके से इंप्रूव करें। अगर नहीं पता तो ऊपर मैंने एक और आई बटन में लिंक दे दिया कि हम बेसिक तरीके से स्ट्रमिंग पैटर्न किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम सॉन्ग प्ले हो जाएंगे। एक बार इस वाली फिंगर स्टाइल पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेना आप, मतलब कि आपके प्रैक्टिस में ऐड हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हर गिटारिस्ट को कुछ ना कुछ आना चाहिए बजाने के लिए। अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, जैसे कि हमारा वाला पैटर्न है, हमारी प्लगिंग चलती रहेगी, किसी भी सॉन्ग में ऐड कर देना 4x4 के। अब मैं आपको इसमें पैटर्न बता देता हूं, पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। हमें रूट नोट लेना है, बेस नोट, जैसे कि मेरा सी मेजर का रूट नोट क्या हो गया, हमारा सी फिफ्थ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसमें मैं प्लगिंग कर रहा हूं 5 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 2 3 2। ये अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर लेना, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी एंड आपका हाथ चलने लग जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेना, एंड ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, उससे आपको हेल्प मिलती रहेगी कि हम डेली में यार प्रैक्टिस आखिर क्या करें, ठीक है। बार कोड की प्रैक्टिस उठाना नहीं है, किसका आगे लाना दवा के एकदम, ठीक है। इसमें आपके बार कोड में बजिंग जो होती है वो नहीं होगी। और मैंने आपको क्या बताया, और मैंने आपको फिंगर स्टाइल की एक्सरसाइज बताई है 5 3 2 3 1 2 3 2, एंड इसमें चार हमें कोड लगाना है, एक सी मेजर 5 3 2 3 1 2 3 2, ए माइनर 5 3 2 3 1 2 3 2, ठीक है। अब एफ मेजर 6 3 2 3 1 2 3 2, एंड जी मेजर 5, इसमें 5 भी ले सकते हो 6 भी ले सकते हो, मतलब कि मैं 6 से ले रहा हूँ 6 5 6 5, मैंने दोनों पे बेस नोट मार दे, ठीक है। 3 2 3 2 3 1 2 3 2, इस तरीके से आपकी कंटिन्यू चलाते रहना, एंड इसमें कोई सा भी सॉन्ग ऐड कर देना, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा सॉन्ग के अंदर। एंड और मैं आपको क्या प्रैक्टिस दे सकता हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। एंड तो आप एक हार्ट बीट की स्टाइल की एक्सरसाइज कर सकते हो, जो हमारी हार्ट बीट स्टाइल है, ये आप हार्टबीट स्टाइल अपने डेली प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हो। हार्टबीट हमारी, जो हमारी हार्टबीट स्टाइल है ना, वो हमारी ऐसी है जो हमारी लॉन्ग टर्म चलती है। एक हमारी फिंगर स्टाइल पैटर्न और एक हमारी हार्टबीट स्टाइल पैटर्न, इसमें जितनी वेरिएशन करोगे ना उतनी कम है। हर सॉन्ग के हिसाब से आप खुद ही एडजस्टमेंट कर सकते हो इसमें, कहाँ पे हमें हार्ट लेना है, कहाँ पे हमें स्नेयर लेना है, कहाँ पे हमें स्ट्रम लेना है, एंड कहाँ पे हमें किक लेनी है। बहुत सारी चीजें होती है हमारी इस
चीज के अंदर, हार्ट बीट स्टाइल के अंदर। एंड आपको हार्ट बीट स्टाइल पैटर्न नहीं प्ले करना था कि एक्चुअली हम यार हार्ट बीट स्टाइल पैटर्न कैसे प्ले करें, ऊपर मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअली हम हार्ट बीट स्टाइल पैटर्न किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे बता रखा है, एकदम छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज मैंने आपको बता रखी है उस वीडियो में, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, एडिट करूंगा तो 8 मिनट की बचेगी, पता नहीं कितने मिनट की बचेगी। तो आपका बस एक ही काम है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।